न्यू कमर ने आपको टेंट्रम दिखाया हो जो मुझे कुछ लगा है तो वो काम फिनिश करके उसके बाद में वो फ़ोन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ आई डोंट थिंक हमें उस जोन में जाना चाहिए अगर जो आप में वो इच्छा है करने लायक एंड आपको वो उस लाइन में जाना है तभी तो आप करिए अच्छी फिल्म थी बड़ी फिल्म थी सक्सेसफुल फिल्म थी लेकिन वो काम में मज़ा नहीं आता और मुझे काम में मज़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मज़े से करो तो मैं भी हो सकता है उनमें भी कुछ कमी होगी क्यों होता है उसका रीज़न यह है कि एक कम्फर्टेबल होता है और पचास के बाद आप डांस नहीं कर पाओगे राइट right? नमस्कार मैं राजेश रानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर से फिल्मी टॉक्स पे इस हफ्ते पेश करने जा रहा हूँ वो दिग्गज हस्ती जिसने हमेशा की तरह अपने जुनून को साथ रखा और 25 साल से कोरियोग्राफी करते आए हैं तो इस हफ्ते पेश कर रहे हैं राजीव सुरती को अश्विता बख्शी के साथ हाय राजीव वेलकम टू आर शो फिल्मी टॉक्स सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपने ऐसा एक भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी चाहे वो सलमान खान हो अक्षय कुमार हो कटरीना कैफ हो करीना कपूर हो जिनेलिया uh, डिसूजा हो मतलब राइट फ्रॉम टू थाउजेंड स्टिल डेट आपने सभी स्टार्स को कोरियोग्राफ किया है अपने mm -hmm. स्टेप्स पर नचाया है सो हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ गेटिंग इन टू कोरियोग्राफी Got to you. Uh, पहले तो मैंने सारे एक्टर्स को नहीं करवाया बहुत सारे एक्टर्स बाकी है जैसे टाइगर श्रॉफ है या uh, बहुत सारे एक्टर्स हैं hmm. uh, जो नए में बट जो कुरोग्राफी का आइडिया uh, काम करते वक्त आया हुआ है uh, पहले पहले तो यही समझते थे कि डांस ही सब कुछ है यू नो सो पहले डांस किया डांस के बाद समझ में आया कि कोई कोई जो सेट करते हम कॉलेज के टाइम पर या जब हम कॉम्पिटिशन में करते थे वो सेट करते थे तो 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 उसको कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी बोलते थे टर्म so, तो जब काम काम कर रहा था तभी समझ में आया okay. yeah, so, काम करते करते बाद में काफी देर बाद समझ में आया कि हा, hmm. so, yeah. hmm. हाँ इसको कोरियोग्राफी कहते हैं आपको एज अ करियर कोरियोग्राफर पता था कि करियर ऑप्शन नो नोट एट ऑल जब मैं कॉलेज में था तभी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स करता था मैं बींग साइंस स्टूडेंट घर वाले थोड़े ना नाखुश रहते थे कि यार पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि mm. ये सब कर रहा है बट कॉलेज कॉम्पिटिशन में काफ़ी प्राइज लेता था तो प्रिंसिपल्स mm. भी बहुत सपोर्ट करते थे जैसे कि प्रैक्टिकल मिस होता था तो वो मेरे लिए अलग से डायसेक्शन करवाते थे यू नो सो wow. so, बहुत हेल्प किया है कॉलेज ने Uh, तो वो टाइम से कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी कुछ करियर ऑप्शन बन सकता है आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन सिर्फ चलो डांस करना है डांस ट्राई करते तो डांस किया तब समझ में आया कि हाँ इससे पैसे भी मिलते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल डांस कौन सा था पहला uh, आपको चाहे बेसिक अमाउंट ही मिला हो बट ऐसा कौन सा डांस था सोफी so, थी जो फर्स्ट मैं एक कुरोग्राफ़र के साथ में मैं गया हुआ था जुबिन सूरती okay. वो भी सूरती था बट पारसी था okay. बट उसके साथ में इफ़ यू रिमेंबर बाबा साइगल करके एक रैपर थे जो yes, फर्स्ट रैपर तो yes. so, वो टाइम पे ठंडा ठंडा पानी वो सब उनका एक कॉन्सर्ट्स okay. किया करते थे okay. तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था सो so, उसमें मैंने डांस किया था एज़ अ बैकग्राउंड डांसर सो so, दैट्स साफ oh. सात सौ पचास रुपया मिले थे मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज माई फर्स्ट पे

बिंगे साइंस स्टूडेंट अगेन वो नहीं चाहते थे कि मैं डांस करूँ और डांस में वो टाइम पे इवन दे वर नॉट रॉन्ग क्योंकि डांस में ऐसा कोई प्रोफेशन मुझे नहीं पता था तो उनको कैसे पता होगा सो exactly. so, uh, ऐसे शोज होते हैं या उनको किसी को पता ही नहीं था यू नो सो दे वर राइट इन देयर वे बट मैं चोरी चोरी करता था मैं you know? okay. थोड़ा यानी चुप चुप के करता था okay. जो पता ना चले कॉलेज okay. में तो ठीक है प्रिंसिपल ये ना वो अपने इसमें थे वो समझ जाते थे हाँ। बट घर वाले नहीं समझते थे तो थोड़ा मुझे उनसे चुप चुप के करना पड़ता था बट जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया उसके बाद क्या करना है सो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद में हमारा केमिकल का बिजनेस था तो मैं बहुत दूर एक जगह पे जाता था मस्जिद बंदर तक मैं ऑफिसिस uh, में जाता था फिर डूमीवली में, में मेरा साइट uh, था okay. तो, यानी बहुत सारा ट्रैवलिंग होता था सो आई वॉज रियली फेड अप और मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा छः महीने yeah. मैंने दिए थे और yeah. और मैं वो हैंडल करता था बहुत नुकसान किया था मैंने डर okay. <laughs> <laughs> की वो इंटरेस्ट नहीं द्यान था, यहां था ना एक्जैक्टली exactly, इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उनको कहा था कि मुझे मैंने छः महीने दिए मैं छः महीना मुझे दीजिए लेट मी सी वॉट आई कैन डू इन दिस प्रोफेशन डांसिंग प्रोफेशन सो लोग बुलाते थे बिकॉज आई एक्सपोजर टू और काफ़ी सारा ऑल इंडिया चैम्पियनशिप सब जीतता था तो लोग बुलाते थे तो गणेश हाँ। हेगड़े एक कोरियोग्राफर है अभी भी है बहुत yes, yes. नोन कोरियोग्राफर जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली yes, हम सुबह सुबह उठ के एमटीवी हाँ। पे उनका गाने सुनते थे हाँ दीवाना या सो so, वो मुझे बहुत बुलाते थे और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया तो 15 डेज के अंदर ही मैं साउथ अमेरिका गया था शो uh, okay. करने के लिए चंकी okay. पांडे भाग्यश्री यू you नो know, उस टाइम पे यस या सो दैट वाज इन बैक इन आई डोंट नो 95 94 समथिंग लाइक दैट ओके या सो वहाँ से मैंने शुरू शुरुआत की तो घर वालों को भी लगा नहीं हाँ कुछ कर सकता बाहर गांव भी बच्चे छोकरों हां आई नो आई नो सो भार्गव भी होचे ने यू you नो know, वो पैसे भी कमा रहा है सो दे लाइक ओके तो ऐसे कन्विंस हुए वो और अभी तक आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी डांस nah, में ना ना फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी सो so, आप जितना मैंने आप रिसर्च किया आई केम टू नो दैट आपने हिप हॉप न्यूयॉर्क से सीखा है फ्रॉम फेथ एकेडमी जी 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 एंड uh, आप बाकी सब डांस फॉर्म्स में भी जी। uh, कहीं ना कहीं so, प्रोफेशनली करते -करते कि ट्रेंड है और अपने आप को करना है right. so, गणेश के साथ मैं काफी सारे आ, शोस करता था, आ, तो उसके बाद जब मैंने कोरियोग्राफी मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था तभी मैंने सीखना शुरू किया था मुझे ऐसा okay. लगता था कि मैंने जो सीखा है वो एक कोरियोग्राफर से काम करते करते सीखा है हुँ. और मुझे अगर जो खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो मुझे और सीखना होगा Okay, so that's how yes. i learned from a uh, new york make faith करके लड़की थी बहुत अच्छा कोर करती थी oh, so us us ke, yeah she was a choreographer to उसके पास मैंने ट्रेनिंग ली उसके बाद मैं थोड़ी बहुत भरतनाट्यम की नॉट प्रोफेशनली बट बेसिक ट्रेनिंग मैंने दी है सब जैसे से. आपने कहा uh, मुझे कि बॉलीवुड भेलपुरी होती है absolutely तो आपको हर एक डांस फॉर्म थोड़ा थोड़ा आना चाहिए सो दैट so आप एक, उनका मिक्सचर कर सको एब्सोल्युटली ओके सो जस्ट एक ऐसी क्वेश्चन जब आप uh, अपनी जर्नी कर रहे थे तो किसी ने फैमिली में से डिस्टेंट फैमिली फ्रेंड्स में किसी ने बोला कि डांस तो ठीक है पर करते क्या हो एब्सोल्युटली <laughs> <laughs> uh, <laughs> सो uh, so, जब वो टाइम पे टीवी इतना पॉपुलर था नहीं फिल्म फेयर में कभी कभी कोई इसने देख लिया तो देख hmm. लिया सो hmm. so, उसमें डांसर ऐसे हाईलाइट नहीं होते थे hmm. सो so, वो टाइम पे ऐसे लगता था इतना जाता है वो तो ठीक है डांस कितने टाइम करेगा यार कितने exactly, साल करेगा सो exactly. so, वो हमेशा प्रॉब्लम होता था लेकिन अभी क्या मम्मी डैडी को मैंने थोड़ा इम्प्रेस कर लिया था सो exactly. so, वो आंसर देते दे थे मुझे कोई आंसर देने, देने की जरूरत नहीं थी yeah. प्लस आपने आई थिंक टेलीविजन में रियलिटी शो से आपने uh, yeah. एक मुकाम हासिल कर लिया था करेक्ट राइट इफ आई एम नॉट मिस्टೇಕिंग अराउंड 18 इयर्स बैक अपने नचबलीय में

सो so, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो लेकिन मेरा एक असिस्टेंट था उसने कहा था कि हाँ सर ये करना चाहिए तो हम लोग गए थे मीटिंग में तो वो, वो मीटिंग में मैं, मैं निकल ही गया था और वो वो लड़का बोल रहा था कि सर खाना बहुत बढ़िया है और <laughs> मेरिट का खाना खाते है खाते हैं यार सो तो, मेरा और मुझे जाना है नाला सो पा रहा सो तो, बहुत लेट हो जाएगा मैं खा के आता हूँ <laughs> so, मैं उसके लिए वेट कर रहा था और मुझे उन्होंने फ़ाइल पकड़ा दिया था सो दैट्स हाउ इट वॉज बट मैंने जब फाइल देखा था राजेश्वरी एंड वरुण थे सो hmm. so मुझे लगा कि दे आर वेरी सेंसिबल और डांसर बहुत अच्छी है राजेश्वरी सो मैंने चलो ठीक है कर लेते हैं सो so मैंने ऐसे ही कर लिया था सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट थैंक गॉड मेरा असटेंट उसको भूख लगी थी उसने खाना <laughs> था? Yeah. Exactly. और uh, फिर वो वर्क किया एंड okay. uh, फरहान सर मिले वहाँ से और फरहान सर ने ब्रेक दिया मुझे एंड देट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म डॉन तो so, नच में जो आपकी मैंने परफॉर्मेंस देखी है ट्रस्ट मी एवरी शुड सी अभी के जो बच्चे हैं जिनको कोरियोग्राफी uh, सीखनी है डांस करना है हुँ. ठीक है आज आजकल फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत बढ़ गई है बट ट्रस्ट मी हेट्स ऑफ वॉट अ परफॉर्मेंस उस टाइम पे जब हिप हॉप ब्रेक डांसिंग उतना फेमस नहीं था, नहीं था yeah. आपने उस टाइम पे वो डांस परफॉर्मेंस किया है आई हैव एक्चुअली सीन इट ट्वाइस थ्राइस सो सो सुपर्ब अमेजिंग थैंक यू इसके बाद आपको बॉलीवुड में स्पॉट किया गया कि दिस इज द अपकमिंग कोरियोग्राफर हु इज़ गोइंग टू कोरियोग्राफ ऑल द सेलिब्रिटीज नाउ सो डॉन के बाद आपकी वो जो एक जर्नी होती है वो आपकी स्टार्ट हो गई सो हाउ वाज इट लाइक मतलब आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म दूसरी से तीसरी फिल्म करते गए तो आपके माइंड में आया कि अब मेरा टाइम आ गया है या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी लाइक like, जैसे कोई सोचा ना कि अभी मैंने बड़ी फिल्म कर ली नाउ मेरा टाइम तो आ गया अभी एवरीबडी इज गोइंग टू कॉल मी ये था या फिर आपको लगा नहीं यार बड़ी फिल्म मिली है तो अभी मुझे सेकेंड बड़ी फिल्म मिलने में और मेहनत करनी पड़ेगी क्या थाट प्रोसेस था आपका सो so, uh, मैं जब फर्स्ट फिल्म मिली थी जब डॉन शाहरुख के शाहरुख भाई के साथ में की थी तब आई वॉज़ हैप्पी डेफिनेटली आई वॉज वेरी हैप्पी बट मुझे इतना काम नहीं आता था टू बी वेरी frank. Hmm. मैं काम करते करते काफ़ी सीखा हूँ और uh, जब जब फिल्म मिली थी तभी मुझे कैमरा एंगल्स और क्या ना मैंने काफ़ी uh, कोरियोग्राफर के साथ को मैंने असिस्ट किया है लेकिन वो टाइम पे कोरियोग्राफर्स इतना सिखाते नहीं थे वो थोड़े इनसिक्योर okay. हुआ करते थे लेकिन अभी के कोरोग्राफर्स सारे बहुत uh, बहुत फ्री है अगर जो hmm. उनको क्वेश्चन पूछे तो दिल आंसर यू बट वो टाइम इतने नहीं थे सो so, okay. मैंने दो या तीन फिल्मी मैंने असिस्ट की थी लोगों को बट तो भी मुझे कैमरा एंगल्स वो सब जानना था मुझे एडिट पैटर्न क्या होता है शॉट्स कैसे लेते हैं right. तो मैंने एक uh, उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ली कैमरा की oh. oh. कि ये एरी कैमरा कैसे वर्क करता yes. है तो वो टाइम पे रील्स हुआ करते थे तो मैगजीन ah. बोलते थे वो मैगजीन ah. हम मुझे, वो भी आता था मुझे वो भी सीखा था मैगजीन कैसे चेंज करना है लेंस कैसे चेंज करना है सो सारे लेंसेज मैंने नोट डाउन किए थे और मैंने प्रॉपरली यानी फिल्म मिला उसके बाद में मैंने ये किया यानी जी okay. uh, एक वीक का मैंने ट्रेनिंग ली hmm. एक वीक में से मैं दो दिन में ही सब कुछ यानी सर बोल रहे थे सब सीख गया है लेकिन टीचिंग ऑल द लाइट्स एंड ऑल मतलब लाइट्स मुझे नहीं सीखना है hmm. you know, की लाइट समझ में आ गया इतना बस इतना मुझे hmm. नहीं जाना बट hmm. जिमी जी पी सब सारी चीज़ें मैंने कैमरा एंगल आपको समझ हाँ तो वो मैंने वो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी सो वो इट वर्क एंड उसके बाद में वो फर्स्ट फिल्म मिली तो ये था कि जो भी मिला है उसको काम आप शिद्दत से करो yes. एकदम हंड्रेड परसेंट अपने ऑनेस्टी के साथ करो mm. और जितने जितनी भी आपकी एबिलिटीज़ है mm. आपको भी पता नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो सो उस हिसाब से करते गया हमें काम और फिर काम मिलते गया मैंने आज तक yeah. टचवुड मैंने किसी से काम मांगा नहीं है अपने आप सब कुछ मिला है तो ऊपर वाले की बहुत दया है लोग कहते हैं ना कि स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में डेफिनेटली है, है, मैंने लोगों को देखा लेकिन मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और वर्क केम टू यू ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली और मेरी इच्छा भी ऐसी नहीं थी कि मैं इतना ये करूँ वो करूँ जैसे जैसे काम आता गया मैं करते गया सो अभी जैसे आपने कहा कि पहले के टाइम में असिस्ट करना वॉज वॉज इट ईजी जैसे आज अगर रेमो सर हैं hmm. उनको उनके जो असिस्टेंट्स है हम देखते हैं कि वो रियलिटी शोज में दे आर आल्सो जजिंग द शो यस यस, दे आर कोरियोग्राफिंग दे आर एक्टिंग एब्सोल्युटली, जो उन्होंने फिल्म बनाई है ए बी सी डी उसमें उन्होंने उनको कास्ट किया है yes, yes. So, वो इनसिक्योरिटी आपको लगता है आज कम है एज कम्पेयर टू वॉट इट वॉज बिफोर यस एब्सोलटली आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू वो टाइम पे थोड़ा सा था कि सब कुछ सीख जाएगा या ऐसा होता होगा क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा लगता था कि वो आगे ना बढ़ जाए यू नो लोगों को लगता था आई डों मे बी मे बी एंड और एक्टर्स बहुत जब मैं डांस करता था तो मैं लोगों को सिखाने जाता था जैसे सलमान भाई को मैं काफ़ी सिखाने जाता था या अक्षय कुमार को या लोगों को मैं उनके घर पर जाता था या उनके रिहर्सल uh, हॉल पे वो मुझसे सीखते थे hmm. तो वो कनेक्शन था right. और एक्टर uh, के साथ एक कम्फर्ट लेवल आपका आ जाए hmm. uh, कोरोग्राफर को बहुत ज़रूरी है hmm. और uh, उनका स्टाइल समझ में आया उसका स्टाइल समझ में आया तो फिर आप उस हिसाब से कोरोग्राफ कर सकते हो आप right. उस हिसाब से कोरोग्राफ कर सकते हो तो आप उनको सिखा भी सकते हो तो वो एक रैपो बनना बहुत ज़रूरी है एक्टर के साथ में एनी exactly. टेक्नीशियन uh, को सो hmm. so, वो थोड़ा हो रहा था तो उसी के कारण हुआ Yeah. और uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लाइक यू सेट कि uh, जितने भी रियलिटी शोज़ के कंटेस्टेंट्स uh, है वो असिस्ट करते हैं जैसे मुझे भी बहुत किया है डी ने किया हुआ है धर्मेश ने, ने। oh. फिर या yeah, काफ़ी लोगों ने किया है भावना okay. ने किया है वर अमेजिंग डांसर दे आर अमेजिंग डांसर बट लोग है ना किस्मत का कोई नहीं ले सकता है hmm. जो जो होना है वो होना ही है अगर जो उसको चांस मिल रहा है किसी को चांस मिल रहा है तो वो उसकी किस्मत है और उस किस्मत को आप रोक रहे हो तो आप ऊपर वाले के साथ में आप कनेक्शन हाँ। तोड़ रहे हो यू नो बट आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा सा पुश जो ज़रूरी जरूर, होता है हमारी इंडस्ट्री में हाँ। चाहे वो आप एक एक्टर के लिए हो चाहे वो सिंगर के लिए हो एक कोरियोग्राफर के लिए हो डांसर के लिए हो वो पुश देना ज़रूरी है जैसे आज अगर हम देखते हैं कि फरा मैम फरा खान अपने असिस्टेंट्स को पुश कर रहे हैं जैसे गीता माँ गीता मा वो आउट एंड आउट कहती हैं कि फराह खान ही हैं जो उन्हें लेकर आई हैं इंडस्ट्री hmm. में hmm. वो उनको असिस्ट किया करती थी जी 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 तो जैसे आपने आई थिंक uh, uh, जैसे आपने कहा गणेश हेगड़े हैं uh -huh. या वैभवी मोचन उनको आपने भी असिस्ट किया है कहीं ना कहीं तो आपको ये वाइब अपने अराउंड ही दिखी या आप इन जनरल कह रहे हैं कि दिस इज वॉट यू यूज टू सी मतलब आपको इनके साथ काम करते हुए लगा कि अगर ये मुझे पुश कर देते तो आज अगर मैंने इतनी फिल्म्स की हैं तो मैं शायद और बड़ी फिल्म्स कर चुका होता डू यू थिंक दैट नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जैसे कि गीता आपने कहा गीता बहुत बढ़िया असिस्टेंट है जो फराह मैम के साथ करती है और वो खुद भी एक बहुत अच्छी कोरोग्राफर भी है बट उनको जितना काम करना है उन्होंने किया यू नो you know, Uh, जितना पुश करना है वो फ़रा मैम ने भी किया फ़राह मैम ने मुझे भी पुश किया हुआ बायोग okay. मैं सिर्फ एक ही बार मिला था उनके साथ oh. में डॉन uh, के वक्त uh, वो शाहरुख भाई को मिलने आई थी और hmm. शूट चल रहा था तो उन्होंने सिर्फ बस हाय हलो किया था hmm. और वो शॉर्ट्स देख के तभी तो गाना रिलीज भी नहीं होता तभी एक फिल्म थी ब, आ, बाबुल right. अमित right. जी एंड जॉन uh, की तो वो गाना कर रही थी तो वो शी डिन टाइम सो शी रिकमेंड माई वो के बाद में मेरा जब भी वो रवि चोपड़ा ने मुझे कहा रवि सर ने कि मैम ने आपका नाम रिकमेंड किया है सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वेरी टच यू नो सो मुझे okay. ऐसा लगता है कि आप अगर जो अच्छा काम करोगे ना वो ऊपर वाला आपको पुश करेगा okay. और ऊपर वाले के पुश से कुछ नहीं है यू नो सो वो अपने हाँ आप आएगा यू you नो know? वो देने लगता है तब बाकी हाँ हाँ बाकी कुछ नहीं है तो वो एक एब्सोल्युटली वो जरिया है ना फरा महम भी एक जरिया है हाँ लेकिन आ, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं। आप में टैलेंट है वो आप पहुंचोगे फॉर श्योर बट यू हैव टू बी यू डू आप पूरे कीजिए उसमें आपको लगे रहना पड़ता तो, मतलब, uh, है इंडस्ट्री में कि वी वांट डांस डायरेक्टर्स करेक्ट सो एक अच्छा डांसर एक अच्छा कोरियोग्राफर होता है इज़ इट नेसेसरी कि एक कोरियोग्राफर डांस भी कर सके या उसको डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए सी देर आर लॉर्ड ऑफ डांस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर वो इतने अच्छे डांसर्स नहीं है बट hmm. hmm. वो बहुत बेहतरीन डांस डायरेक्टर या कोरियोग्राफर हैं। विजुअलाइज वो अच्छा कर बहुत सकते बहुत अच्छा कर सकते हैं या सीक्वेंस yeah. करेक्ट या उनको एक समझ है कि इस म्यूजिक पे या इस हुक स्टेप पे ये हुप ही अच्छा लगेगा hmm. इस हुक पे यही यही जाएगा नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है hmm. सो वो एक समझ है hmm. वो क्यों समझ है क्योंकि एक ज़माने में वो बहुत अच्छा डांसर हुआ करते थे ओके okay. अभी नहीं कर रहे लेकिन ah. इसका मतलब कि उनको वो म्यूजिकलिटी है उनको hmm. वो वो समझ है वो लिरिक्स की समझ है hmm. सो वो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोरोग्राफ़र को अच्छा डांसर होना बहुत ज़रूरी है भले अभी नहीं हो लेकिन पहले तो आप हुआ करते होंगे यू नो कॉलेज के टाइम पे या ऐसे

एक like, आपका विजुअलाइजेशन डायरेक्शन में भी जाती है या आपको लगता है कि नो सॉन्ग इज़ समथिंग विच आई कैन विजुअलाइज एंड द सीक्वेंस आई कैन डू जैसे आपने बोला कि वांटेड में ऑलमोस्ट बारह दिन लग गए हमें शूट के लिए सो mm -hmm. so, uh, एक फिल्म काफ़ी फिल्में भी हैं जो थर्टी डेज में बन जाती हैं आजकल का आ गया है करेक्ट सो डू यू थिंक ऑफ मेकिंग अ फिल्म ऑन अ डांस पर्टिकुलर डांस फॉर्म जिसे आप डायरेक्ट करना चाहेंगे एक्चुअली uh, बहुत पहले uh, मेरे ख्याल से सारे कोरोग्राफर्स की आइडियाज़ uh, होगी uh, yeah. डांस के ऊपर फिल्म बनाने के लिए बट yeah. रेमो ने बना ली yes. और उसने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है सो आई डोंट थिंक कि अगर जो किसी ने बना ली तो आप उसी टॉपिक के ऊपर आप uh, बनाओ या आपके पास में एकदम डिफरेंट कहानी हो तो फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी यू नो बट आई डोंट थिंक कि मुझे वो डांस के ऊपर ही फिल्म uh, Haan, बनानी है yeah. बट uh, ड मुझे डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि वो काम you. काम yeah. आता है, रहता yeah. है तो जैसे कि काम आता है तो मैं मना नहीं करता हूँ एक्टिंग yeah. के लिए डरेक्शन के लिए कुछ भी लेकिन yeah. वो टच होना चाहिए यू नो ऐसा कि हाँ वो और क्या ना बहुत प्रोड्यूसर्स भी ऐसे होते हैं कि आप एक्टर्स लेके आओ हम डायरेक्शन आपको डायरेक्शन देते हैं हैंट टू गेट इन टू दैट स्पेस यानी यार ये कि मैं एक्टर लेके आऊँगा डायरेक्शन करूंगा ना अगर जो अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है mm. कुछ भी हो सकता है थ्रिलर हो कॉमेडी हो तो सारे के पीछे में जाते चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री हो of course, पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है बट वैसे देखा जाए ग्रुपिज्म के बारे में बहुत बोला जाता है एक्टर्स के लिए तो क्या कोरियोग्राफर्स में भी ऐसा होता है कि आप अगर आप अपने चार सेट ऑफ कोरियोग्राफर्स के साथ असिस्टेंट्स के साथ काम कर रहे हैं hmm. तो आप उन्हीं को अपने प्रोजेक्ट्स में पुश करेंगे या आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ आपको लगा यार मैं इनका असिस्टेंट हूँ इसलिए मुझे पुश किया गया बट समीज़ बेटर देन मी वैव गॉटन दैट चांस बट नहीं मैं इनसे टच में हूँ तो मुझे hmm. वो चांस मिल गया और वाइज वाइजर्स मे बी यू फेल्ट आई फेल्ड गेट दैट चांस बिकॉज समवन एल्स वाज उसका रीजन यह है, कि एक होता है. Hmm. जैसे कि एक्टर के साथ में कोई कम्फर्टेबल है तो hmm. फिर वो है you know, और hmm. किसी का वेबलैंथ सेम मैच होता है hmm. तो वो ऐसे ग्रुप बनता है राइट right? सो okay. so, वो जब ये नहीं है कि हाँ ये अच्छा है तो इसके साथ में ग्रुप बनाऊंगा ग्रुप तो बनता है है ना सो जैसे कि मेरे असिस्िस्टेंस हैं तो अगर जो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उनको पुश करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं uh, ये गाना बहुत अच्छा है और ये गाना इन लोग नहीं कर पाएंगे कोई दूसरा कर पाएगा hmm. तो मैंने काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड uh, किया जैसे okay. कि मैं तिगमान शुद्धुल्हिया की एक फिल्म कर रहा था तभी मैं आई वॉज़ नॉट अवेलेबल सो so, मैंने वो टाइम पे मैंने असिस्टेंट्स को नहीं भेजा मैंने मेरे एक विजय गांगुली करके कोरियोग्राफर है okay. मैंने उनका काम देखा था सो yes. so, वो बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफर है मैंने उसका काफ़ी सारे गाने भी देखे थे और okay. एक टाइम पे मैं मिला भी था कोई किसी फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर था सो दैट्स आई मेट हाव बा इज़ अ वेरी नाइस गाय सो मैंने वहाँ पर रिकमेंड किया ना ही वॉज वेरी हैप्पी कि अरे सर आपने किया क्योंकि मुझे yeah. भी किसी ने ऐसी फरा मैम ने किया ही था ना सो दैट्स हाउ इट इज़ यू नो अगर जो अच्छा है तो

जैसे आप ऑलरेडी स्टार्स के साथ काम कर चुके थे uh -huh. और आप न्यू कमर्स के साथ भी काम आपने किया जाने तो या जाने uh -huh. किया है जी, जी, जी. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है जहाँ पे किसी न्यू कमर ने आपको टेंट्रम दिखाया हो या आपको कहा हो कि सर ये स्टेप मुझसे नहीं होगा आप जरा चेंज कर दीजिए या सर मैं ये स्टेप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस पॉजिटिव और नॉट सो पॉजिटिव आर वेलकम एक्चुअली क्या ना जो न्यू कमर्स होते हैं ना वो बहुत हंगरी होते हैं और डरे हुए होते हैं दोनों भी क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं उनको उनको बुलाया गया है उनके लिए बुलाया गया है तो वो उनको पता है और और अभी तो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही शिष्टता से डिसिप्लिन से वो काम करते हैं उनको रिहर्सल भी करना है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी टेंट्रम थ्रो करेंगे या कर सकेंगे लोग यू नो जो जितने भी न्यू कमर्स आएंगे hmm. क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्टर ने जो चूज़ किया है वो बेस्ट ही किया होगा exactly. और डेफिनेटली uh, और कोरोग्राफर का भी uh, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी एक्टर है hmm. उनके बॉडी लैंग्वेज से या उनके कैरेक्टर से एज hmm. इन उनके रियल लाइफ कैरेक्टर से भी एंड फिल्म uh, के कैरेक्टर से भी वो सोच समझ के उनको कोरोोग्राफ करें यू नो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट

या सो ऐसे भी डायरेक्टर है कि वो बुलाते हैं कि आप ऑफिस में आइए सर आप हाँ रीडिंग में नहीं आपको स्क्रिप्ट दे देंगे आप वहाँ पे पढ़िएगा या बहुत लोग तो वो मेल ही कर देते हैं डेफिनेटली एन डी ए साइन करके डेफिनेटली आप बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट आपको वो स्क्रिप्ट जितना मैं पढ़ूंगा जितना hmm. कैरेक्टर समझूंगा जितने एक्टर के साथ बात करूंगा जितने डायरेक्टर के साथ मैं बात करूंगा hmm. वहाँ से कोरियोग्राफी मिलती है वहाँ से वहां आप वहाँ वहाँ से सब आइडियाज़ आती है और वो बन जाती है बात सो जैसे जाने तू या जाने ना फिल्म आई थी उसमें इमरान खान वॉज़ उनकी ये डेब्यू फिल्म थी तो जब आप उनके सॉन्ग्स कोरियोग्राफ कर रहे थे तब आपको उनमें कुछ नर्वसनेस दिखी थी या ही वॉज ऑल कॉन्फिडेंट कि यस आई वॉन्ट टू डू इट या आपको लगा कि ही इज़ अ न्यू कमर चाहे वो फैमिली बैकड्रॉप से आया है इंडस्ट्री के बट ही इज वर्किंग हार्ड मतलब डिड यू गेट दैट टाइम फ्रॉम हिम सो काफी टाइम हो गया उस फिल्म uh, uh, को बट यस मैंने उनका एक गाना किया था नजर मिलाना सो हाँ. so, नजर मिलाना वॉज अ पिकनिक सॉन्ग और रिलेशन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बाद में क्रश का और uh, uh, बचपन के दोस्त का और सारे फ्रेंड्स का तो बहुत सारे रिलेशंस थे उसमें सो so, वो बहुत ही डायरेक्टोरियल काइंड ऑफ सॉन्ग था सो so, वो मैंने किया था बाद में करके मैं निकल गया था सो so, उसमें ज़्यादा एक्टिंग थी उसमें ज़्यादा कोई ऐसे लिपसिंग ज़्यादा नहीं था सो उसमें इतना पता नहीं चला लेकिन एक बार फिर आमिर भाई ने मुझे बुलाया था ऑफिस में और उन्होंने मुझे गाना दिखाया Uh, कभी कभी अदिति जो hmm. पहले शूट हो चुका था okay. कोई किसी और क्रोग्राफर ने किया था सो okay. वहाँ so, पे वो बहुत आ, आ, वो अच्छा नहीं लग रहा था एज इन एज एन एक्टर अच्छा नहीं लग रहा था सो hmm. so, uh, क्यों नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि वो डेफ़िनेटली वो टेक्नीशियन का ही फॉल्ट uh, था उसका फॉल्ट नहीं था hmm. क्योंकि उसको ट्रेन ऐसा करना है उसको उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हिसाब से उसको मूवमेंट्स देने हैं सो hmm. so, वो बहुत सारी चीज़ें थी तो आमिर भाई ने मुझे वो समझाया था कि देखो आ, ये गाना है जो मुझे नहीं, नहीं अच्छा लगे ना आई वॉन्ट यू टू री शूट दिस सॉन्ग सो तो क्या उन्होंने मुझे पहले फ्री हैंड छोड़ दिया था कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जैसा अच्छा लगता है वो मुझे आ, हम दो तीन दिन में मिलेंगे और, आ, लेट मी नो सो so, मैंने वो दो तीन दिन में मैंने कुछ एक कॉन्सेप्ट बना के उनको मैंने बताया था सो so, उन्होंने वापिस दो दिन लिए आमिर okay. भाई ने okay. और उनको बोले मुझे सोचने दो देन आई नो सो दो दिन के बाद वापिस हम मिले hmm. वापिस हम मिले तो आमिर भाई का मुझे आज भी याद है मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बोले कि राजीव तेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट इमरान फर्स्ट टाइम लोग देखेंगे गाना गाते हुए क्योंकि अदिति गाना फिल्म में पहली बार आ रहा है okay. और एक्टर लिप सिंह करता हुआ बहुत अच्छा लगना चाहिए ऑलवेज़ यू नो सो जितने भी अभी फॉलो एक्टर्स uh, जिसको जिसको बनना है वो उनको लिपसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है exactly. आपको गाना है प्रॉपरली मुंह खोल के गाना है uh. आपकी यू you नो know, आपकी uh, जितने भी नसें दिखनी चाहिए सो uh. so, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट uh. uh, ये तेरा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना कि कॉन्सेप्ट से uh, वो दिखेगा नहीं आपका कॉन्सेप्ट yeah. बहुत ज्यादा लगेगा सो oh. so, वो टाइम oh. पे मुझे समझ में आया कि हाँ ये भी एक बैलेंस होना जरूरी है और वो मेरी करियर में थर्ड या फोर्थ फिल्म थी सो so, okay. मुझे वो बहुत अच्छा सबक मिला था और फिर आ, उन्होंने बताया कि बस यही चाहता हूँ कि अब अभी आपको जैसा अच्छा लगता अच्छा तो, है ऐसा करिए तो क्योंकि मैंने वो गाना उनका देखा था पहले hmm. आ, शूट किया हुआ तो मैंने उनको सिर्फ एक वीक मैंने उनको सिर्फ गवाया सिर्फ आके उनको वो जो गाना oh. था वो जहन में इतना आ जाए कि उनका एक नेचर हो जाए जैसे कि ये कॉफ़ी का मग पी रहा है पी रहा है तो वो गाना गाते गाते वो कर सकता है या जहाँ भी पॉज है तभी उसने पिया उसके बाद में उसको पता है कि लिरिक्स आने वाला है तो उसने रख दिया तो मैंने उसको बहुत सारे प्रॉपर्टीज देता था वो लिप सिंग ट्रेनिंग दिया लिप सिंग सिंग की ट्रेनिंग so, लिपसिंग की ट्रेनिंग सो लिपसिंग के बाद में मोमेंट्स तो बहुत ईजी है यू नो मोमेंट्स है या मूवमेंट्स है बहुत ईजी है वो, you know? वो, है, वो हो जाता है क्योंकि लोग है ना वो नहीं समझते कि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है लोग है ना टेक्निकल में वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वो करने लग जाते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाने को ना पूरे जहन में डाल दीजिए आपकी यानी रात सोते हुए भी आप उस गाने उसी टेम्पो में आप गा सकते हो ना तो फिर वो सुपर yeah, वो गाना उस वक्त तो उतना फेमस होता नहीं है। सो है। so yeah, uh, yeah. so, uh, इमरान ने it. बहुत बढ़िया किया था एंड अमेजिंग yes. uh, बहुत ही अच्छा बहुत मेहनत किया था उसने mm. और उसने कर लिया और उसके बाद में जब गाना शूट हुआ तो इट वाज सो स्मूथ अब इतना अच्छा गया और बाद

टेक्निकली भी आपको एज इन डांस वाइज भी हुँ. और अभी इतना इतनी सारी चीजें आ गई है अब लोगों के हाथ में कैमरा है सो exactly. so वो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि उनसे आप कैसे डिफरेंट लगो नो Uh, technically, technically. Uh, and uh, creatively तो है 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 ही वो 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 कभी-कभी क्या ना हो जाता जो 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 अगेन बोल रहा था कि करना को समझना में भाव आनी चाहिए वो एक्सप्रेशन आने चाहिए कि आप सिर्फ लिपसिंग नहीं कर रहे हो सिर्फ गाना नहीं गा रहे हो गाने गाने के भाव को समझ के आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वो कहाँ कहाँ पे ना मिस हो जाता है आपका एक विजन है एक सॉन्ग को लेकर समझिए कोई सीक्वेंस है जैसे आपने बताया तो क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई डायरेक्टर है जो आपसे सीनियर है हाँ जी। या कोई उस वक्त कोई स्टार है जिसने कहा कि बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे मैं सोच रहा हूँ ऐसे करूँ तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनकी सोच के हिसाब से किया ना कि अपने विजन के हिसाब से सो so, इसमें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टर के साथ में आप वो संतुलन बना रखें यू नो कभी कभी डायरेक्टर है ना एक्टर के साथ में वो पहले से उन लोग डिस्कस कर लेते हैं कोरोोग्राफर तो बहुत बाद में आता है सो so, फिल्म तो डिस्कस हो चुकी रहती है सब कुछ एक्टर के साथ में और डरेक्टर के साथ में जब क्रियोग्राफर आता है तभी डायरेक्टर को पता होता है कि मेरा ये एक्टर का कैरेक्टर क्या है सो वो पहले वो समझा देते हैं वो समझाने के बाद में आप एज एज ए कोरियोग्राफर मैं उनको बताता हूँ कि मैं ये ये चाह रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ hmm. इस टाइप का मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ या इस टाइप का मैं मूवमेंट्स देख रहा हूँ hmm. या इस टाइप का मैं डांस देख रहा हूँ सो hmm. so, जब तक वो अप्रूव ना करे hmm. उनको यू you नो know, ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक मेरे ख्याल से कोरियोग्राफर को नहीं करना चाहिए नो कॉन्फ्लिक okay. uh, तभी होती है जब भी डरेक्टर ध्यान नहीं देता ये नो ध्यान नहीं देता है उसके बाद में सीधा या हम जब बोलते हैं कि आप ये देख लो या व्हाट्सएप अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना अच्छा है तो हाँ. हम लोग ये भेज देते हैं रियर्सल हाँ. भेज देते कि ये देख लो कैसा है हाँ. लेकिन सेट पर जाके बाद में वो चेंजेस होते हैं ना तो वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाता है सो आई ऑलवेज अवॉइड दैट ओके सो मेरे साथ एक ही बार हुआ था आई वन से नेम डायरेक्टर का <laughs> और बहुत बड़ा एक्टर भी था सो मैंने उसको काफ़ी मैंने उनको बताया था कि ये ये हम ऐसा करेंगे एंड ही वॉज हाँ ओके कर लो कर लो लेकिन जब आ, इस पे आया था जब सेट पे आया था ही वॉज चेंजिंग एवरी ना 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 ऐसा मत कर ऐसे करते ना ऐसा तो oh. so, मैंने बोला था सर देखो मैंने जितना आपको मैंने बताया था ah. वो उससे बहुत ही डिफरेंट हो रहा है सो hmm. so, वो डिफरेंट हो रहा है तो वो आपका कॉल है यू आर अ डरेक्टर बट मैं आप जैसा बताऊँगा वैसा मैं करूँगा बट एडिट में बाद में मत बताइएगा कि hmm. ये ऐसा नहीं हुआ ना वैसा नहीं हुआ you know? hmm. so, hmm. हा, हा, थीक है ना सो आई एम गोइंग थ्रू योर विजन तो वो हाँ हाँ ठीक है ठीक है वो कर लिया और एक्टर hmm. भी बहुत सीनियर था उसने भी कर लिया hmm. सब कुछ होने के बाद में जब एडिट पे बैठे आया मेरे पास में oh. अरे यार राजीव यार वो यार हो नहीं रहा है बराबर hmm. है मैंने कहा सर आपको बताया था मैंने hmm. तो फिर एडिट में बाद में बहुत संभालना पड़ता है वो संभालना बाद में इट्स नॉट ए गुड जॉब यानी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग बोलते हैं कि एडिट पर ही फिल्म बनती है वो वो तो बहुत लास्ट स्टेज हो गया अगर जो आपसे कुछ नहीं आपने कुछ अच्छा शूट नहीं किया है तब जाके जा एडिट पे बनेगी ना exactly. पहले तो आप अपने शॉर्ट डिविजन पे या स्टोरी बोर्ड पे आप बना लीजिए कि okay. आपको ऐसी 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 चीज़ें करनी है उसके बाद में आप हाँ. आ, शूट करो उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है hmm. तब जाके वो एडिट बहुत अच्छा होगा

ना ना कभी नहीं कभी अगर नहीं। जो आप कोई काम लेते हो तो आप आपका जैसा भी है जैसे भी आपको जितना भी प्रॉब्लम है आपके यानी फिजिकली पर्सनली इमोशनली जो भी है वो एक साइड में काम बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म से बड़ा कोई नहीं है ना डायरेक्टर है ना आप हो ना एक्टर हो फिल्म पे असर नहीं।, नहीं।, नहीं आनी चाहिए वो दैट्स प्रोफेशनलिज्म यू हैव टू कीप बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया अगर जो मुझे कुछ लगा है तो वो काम फिनिश करके उसके बाद में वो फ़ोन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ ब्लॉक काम फिनिश हो गया एडिट हो गया फिल्म रिलीज हो गई देन ब्लॉक हां देन यू प्रोबब्ली डोंट वर्क विद देम अगेन एब्सोल्युटली बट आप उस वक्त सेट पे आप ऐसा कुछ nah, nah, नहीं करते कभी नहीं कभी मैं कभी किसी को सामने जवाब नहीं या मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा <laughs> कि नहीं बराबर नहीं है तो फिर मैं बाद में नहीं काम करता हूँ hmm. काफी सारे hmm. लोग हैं जिसके साथ मैं काम ही नहीं करता हूँ ज्यादा ग्रीडी नहीं हूं hmm. और आई कॉन्ट फंक्शन प्रेशर में मैं, मैं function नहीं कर सकता। okay. बहुत लोग प्रेशर में बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं मैंने yes. देखा हुआ सो वो उनका फोटो है बट मैं प्रेशर में enjoy करके hmm. डांस करना चाहते हो डांस का इजादी ऐसा हुआ है exactly. इमोशंस से हुआ है ना exactly. मजे करके करके exactly. हुआ है या सो दैट्स जैसे हम देखते हैं कि एक एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ होती है ऐसा कहा जाता था हां इट्स नॉट एनी मोर नॉट एनी बिकॉज़ उस टाइम पे एक्टर्स जो है एक बहुत छोटी एज में आते थे जी जी और उनकी शेल्फ लाइफ होती थी 5 साल 8 साल और जो हीरोज होते थे उनकी शेल्फ लाइफ कहा जाता था कि से तो कोरियोग्राफर की भी एक शेल्फ लाइफ होती है या उनके टैलेंट के साथ उनका काम बढ़ता जाएगा uh, मुझे ऐसा लगता है जितना uh, जितना काम करते हैं उनको उतना ज्यादा काम मिल सकता है hmm. जैसे कि आप काफी सारे उदाहरण है जैसे कि गणेश आचार्य जब से मैं डांस कर रहा हूँ जब से डांस भी नहीं यानी कॉलेज में था तब से मैं देखता था तब से वो कुरोग्राफ कर रहे हैं यू नो एज इन डांस कर रहे hmm. वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला बट hmm. वो वो टाइम से कर रहे और अभी तक वो बहुत रिलेवेंट है वापस exactly. जो उनकी जो कुरियोग्राफी है बहुत huh. बढ़िया है सुपर आदमी है सो hmm. so, मुझे नहीं लगता है कि हाँ आपके टैलेंट के ऊपर निर्भर है आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे आप आप अगेन हंड्रेड परसेंट देते रहोगे तो आप चलते रहोगे hmm. अगर जो आप नहीं करोगे अपने आप को और सीखो सिखाओगे नहीं या अपडेट नहीं करोगे hmm. तो फिर आप खत्म हो जाओगे hmm. बोलते हैं ना कि ये hmm. तो खत्म हो गया इसके पास कुछ नहीं अभी सो दैट्स हाउ इट हैपेंस यू नो सो अभी आप देखोगे गणेश आचार्य भी जितने भी नए नए बच्चे लोग हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ वो रील्स डालते रहते हैं सो वो सीखते रहते हैं यू यू नो सो दैट्स दैट्स हाउ हाउ ही ही इज इज स्टिल स्टिल देयर रिलेवेंट और जो उनके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत uh, कनेक्ट करते, yeah. है। so so करते, करते हैं बहुत सिंपल हुक स्टेप्स होते हैं सो दैट्स विद टाइम आपको अपग्रेड करते करते ही ना पड़ेगा इवन एक्टर्स इफ यू सी बड़े बड़े एक्टर्स उनकी जो जितने भी एक्टिंग जो प्रोसेस है जो इवन yeah. जो एक्टिंग की उनकी जो है Nuvances आप आप की आप जो और रियलिज्म की तरफ जाती जा रही है।, है वो टाइम पे बहुत लाउड हुआ करता था 80s 90s में हा, हा। अभी कितना सटल हो गया तो है तो अभी जैसे हुक स्टेप्स बहुत ज्यादा आ गए हैं जी जी, जी. मतलब एक सॉन्ग होगा सब डांस कर रहे हैं लेकिन जैसे ही हुक स्टेप आया वो अब हुक स्टेप करने लग गए तो ये हुक स्टेप पहले भी था जमाना हुक स्टेप का पहले भी था या ये अभी हुस्टैप uh, का जब से मैं कुर्रफ कर रहा हूँ तब से तो हुक्क का था ही और हमेशा mm. उन लोग बोलते थे अरे हुकैप ऐसा होना चाहिए जैसे बाराती में सब सारे लोग डांस कर रहे का जो आ गए और वो एक टाइम तक वो सही भी है हाँ वो सही भी है लेकिन क्या ना सारे गाने के ऊपर आप सिंपल हुक स्टेप नहीं क्रिएट कर सकते हो mm. वो लोगों को लगता है कि हाँ इस पर स्टेप सिंपल जो लोग कर सके वैसा mm. ही करना चाहिए, ऐसा mm. नहीं है बट हम लोग कभी-कभी करना पड़ता था क्योंकि hmm. क्या ना वो डिमांड uh, हुआ करता था एंड hmm. एक्टर uh, का भी, भी hmm. एवं अभी चेंज हो गया मतलब नॉर्मल जो ऑडियंस है जो इंस्टा पे भी बैठी है Haan. या फेसबुक पे बैठी है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठी है Haan. वो सब अगर वो स्टेप कर रहे हैं तो चेंज so हुआ जितने भी आप गाना देख लो hmm. आ, वो रील्स के हिसाब से वो डिजाइन किए गए यू नो हुक स्टेप्स की hmm. you know, hmm. exactly. से बात कर रहा हूं सो so, वो so, हुआ है वो वो, वो माइंड में रखते हैं कि यार इसके ऊपर रील्स बनेंगी अभी या या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब नाउ हम्म या सो जैसे आपने एक एक मुकाम पाने के लिए इतना सारा काम किया है और आज कोई रील बना के या एक इंस्टा का पोस्ट वायरल होने की वजह से वो डायरेक्टली उस लेवल पे आ जाता है जहाँ पे ऑडियंस उसे पहचान लेती है hmm. तो क्या आपके माइंड में कभी इनसिक्योरिटी आती है hmm. इस चीज़ को लेकर कि यार एज अ कोरियोग्राफ़र मैं इतना लर्नड हूँ मैं इतना क्वालिफाइड हूँ hmm. मैं इतने काम कर चुका हूँ hmm. और ये विदाउट मच क्वालिफ़िकेशन ये एक रील करके प्रॉब्ली hmm. ऊपर आ गया तो माइंड में वो चीज़ आती है आपके कभी सो इनसिक्योरिटीज़ तो नहीं आती है बट डेफिनेटली uh, एक uh, दुख होता है एक टाइप हाँ। का कि मेरे टाइम पे ये क्यों नहीं था हाँ। जब मैं कॉलेज में था तभी नो you सो know, so, हाँ। ये बहुत लेट आ गया यू नो बट आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत फैंटास्टिक है हाँ। और uh, जो अच्छा है वो बहुत ही दिखता है बट हाँ। जिसमें कुछ तो है कुछ फ़नी uh, एलिमेंट हो या ऐसा हाँ। कुछ हो उस टाइप का डांस करते तो वो भी बहुत चलता है

ये दो एक्टर्स हाँ, की फिल्म है हाँ, डायरेक्टर्स कोरियोग्राफर्स बहुत बाद में, बाद आते, में आते थे या, या। बट आज वो टाइम है जहाँ पे आप रेमो सर अगर एंटर करेंगे तो ऑडियंस जो है वो बोलिए अरे रेमो सर आ जाए हाँ, हाँ। वो एक्टर नहीं है बट हाँ। उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है Absolutely. तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है मतलब वो एक आइडेंटिटी आपकी ऑलरेडी है बट डोंट यू थिंक कि आप अपने सॉन्ग्स पे अगर वही फॉर्मूला अपनाएं कि बैक टू रील के जो जो डांस करते हैं वो बहुत, बहुत अच्छा करते हैं बहुत मेहनत जाता है हुँ. वो उनका प्रोफेशन है और <laughs> हमारा प्रोफेशन कोरियोग्राफी है सो okay. so मैं उस पे ज़्यादा तवज्जो देता हूं यानी okay. उसको मैं ज़्यादा वो करता हूं एंड आई डों मेकिंग रील्स सो शुड नॉट डू इट सो दैट्स हाव इट इज और वो yeah. लोग तो पहले पहले तो एन्जॉय करते होंगे ना उसके बाद में वो धीरे धीरे उनको पैसे मिलने लग गया तो फिर वो hmm. अच्छा परफॉर्म करने लग गए hmm. hmm. जितने भी डांसर्स होंगे जो सेलिब्रिटीज रील सेलिब्रिटीज बने really हुए या बट yeah. 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 Uh, वो तो बाद में हुए ना जब पैसे बनने गए बनने लगे उसके बाद में Uske लेकिन baad, हम हाँ. तो कोरियोग्राफर्स ही है तो हमारा तो जॉब ही यह है कोरियोग्राफी करने का तो आई डोंट थिंक हमें उस जोन में जाना चाहिए अगर जो आप में वो इच्छा है करने लायक एंड uh, uh, आपको वो उस लाइन में जाना है तभी तो आप करिए बट हाँ. अगर जो करना है तो फिर वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए और उस लेवल लेवल का का होना का होना yeah, चाहिए चाहिए सो so, जैसे हम आज देखते हैं कि uh, एक कॉपोरेट है अगर वो एक OTT फिल्म बना रही है वेब सीरीज बना रही है या फीचर फिल्म बना रही है सो दे कास्ट फ्रॉम सोशल मीडिया मेड बी इंस्टा रील्स और फेसबुक और समवेयर ऑन समूट सो हैविंग सेट दैट जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा रील्स में इंटरेस्टेड नहीं हो बिकॉज योर फोकस इज मोर ऑन कोरियोग्राफी और फोकस इज मोर ऑन फिल्मस सो अभी जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है डोंट यू थिंक आपको भी थोड़ा सा ट्रेंड के साथ uh, जाना चाहिए uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने काफ काफ़ी काम कर लिया है सो so hmm. मुझे वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए रील्स के पीछे जाना है मैंने काम yes. किया हुआ है सो इफ दे टू सी वर्क दे कैन सी ऑन मे वेबसाइट और यूट्यूब में वो मेरा काम देख सकते हैं बट hmm. uh, जो दूसरे लोग जो आप जो uh, बोल रहे हो जो इन्फ्लुंसर्स है hmm. वो फिफ्टीन uh, सेकेंड्स में उनको बनाना है और उनको फेम मिल जाती है बट yes. वो आपको याद नहीं रहता यू नो बट वो आदमी याद रह जाता है जैसे कि भुवन बाम है जिसने किए हुए उसने वेब सीरीज़ की हुए और वो बहुत अच्छा एक्टर है क्यों क्योंकि वो काफ़ी सारे वो खुद भी खुद ही शूट करता है और इतने सारे कैरेक्टर्स करता है तो वो उसको एक्टिंग वो करते 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 वो और भी सीख रहा है सो तो वो उसको हो गया और उसका फेम है उसके पास सो तो उसके ऑडियंस है तो मेरे ख्याल से इसी कारण कॉपरेट लेते होंगे उनको और ओ में तो उनका शो भी चल रहा है सो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है यू नो वो जो भी रील्स वाले है बट बहुत कम लोग है मुझे ऐसा लग रहा है कि hmm. इतने वहां तक hmm. बहुत reels, बहुत लोग है जो बहुत सी लोग जो टैलेंटेड भी है, hmm. बट कोई नॉन टैलेंटेड भी है आपको कितने रील्स याद रहेंगे जो बात करते हैं वो उतनी ही है तो वो भूल जाते हैं लोग अग जितने जितना होगा, उतना वो आगे जाएगा. मतलब अगर जितना टैलेंट रील्स में लॉन्ग लास्ट करना है तो आपको टैलेंट होना जरूरी बहुत है। बट हैविंग सेड दैट जो reels में मिलियंस आज आपके फॉलोअर्स होंगे अगर आपके व्यूज हैं तो वो उतना चार्ज भी कर रहे हैं पर पोस्ट पर रील मतलब जितना मैंने सुना है So, वो भी आपको एंटाइस नहीं करता ना क्यों वो तो बहुत बढ़िया बात है ना मुझे बताइए अगर जो <laughs> फिल्म से या ओ टी टी है हाँ। कितने लोग कर पाएंगे गिन के पचास साठ सत्तर सौ लेकिन रील्स में इतने लोगों को काम मिल रहा है आप सोचो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए सो so वो सबका घर चल रहा है और yes. लोगों एंटरटेन भी हो रहा है जैसे कि लोग बैठे हुए रील्स देख रहे हैं अभी देखोगे और भी कोई यहाँ पे भी कोई दिखता होगा ना <laughs> अरे यार या सो वो इट वर्कस राइट सो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनको फिल्मों से यार उनसे लेना देना ही नहीं है उनको इससे ही आगे बढ़ना है

बट uh, जो लोग जो एक्टर है जो इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं और uh, जो ऑडिशन दे रहे हैं वो क्रैक नहीं कर पा रहे है। हाँ, तो मैं भी हो सकता है उनमें भी कुछ कमी होगी यू नो आपको प्रयत्न तो करते रहना पड़ेगा डेफिनेटली आपको ट्राई तो करते रहना पड़ेगा बट द सेम टाइम या तो कमी होगी या फिर एक कहते ना, तो जब हाँ, आप सोशल मीडिया पे होते हो तो यू आर टोटली क्या वो सिर्फ टैलेंट है जो आप को uh, काम दिलाता है या बींग देयर प्रेजेंट एट द राइट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जैसे इंस्टा में क्या होता है आप कुछ नहीं भी देखना चाहते तो वो बना बना के आपके uh, बोलते हैं ना आपके जो स्टोर फीड्स फीड्स या इंस्टा yeah. के आपके ऊपर आते रहते हैं uh. तो आपके वो नजरों में रहते हैं लेकिन प्रॉबेबली yeah. जिसने एक थिएटर किया है या जिसने एक फिल्म की है वू इज़ मच मोर टैलेंटेड लेकिन फिर वो आपकी नज़रों में नहीं है सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड

और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, है। जैसे कि मेरे लिए भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इतना बट hmm. और मैं इतना ग्रीडी भी नहीं हूँ कि मुझे hmm. ये चाहिए ये गाना मुझे ऐसा hmm. चाहिए इस एक्टर के साथ काम करना है सो so, hmm. क्योंकि मिलते गया तो मैं काम करते flow. गया या और एकदम हंड्रेड परसेंट दिया है मैंने और जितनी मेरी एबिलिटीज़ है उस हिसाब से तो किस्मत ही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे मुझे लगता है मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिला तो करता हूँ yeah, yeah, yeah. so, uh, जैसे अभी आपको uh, कोई फिल्म मिली है ah. वो आपको नहीं करनी मे बी कोरियोग्राफ नहीं करनी बेबी ah. अमाउंट बोला है उसके बदले में आपको कहा और फ्लैट ऐसा कभी सिचुएशन आई है so, to be honest, मैंने एक बार ऐसा किया था एंड <laughs> uh, uh, वो फिल्म मुझे नहीं मज़ा आ रहा था अगेन अच्छी फिल्म थी बड़ी फिल्म थी सक्सेसफुल फिल्म थी लेकिन वो काम में मज़ा नहीं आ रहा था और yeah. मुझे काम में मज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना मजे से करो डांस hmm. करना है डांस का इजादी हुआ है मजे से करने के लिए हैप्पी exactly. हो गए तभी आदि मानो शिकार करने के बाद डांस करते होंगे उनको yeah. ना सो so, वहाँ से हुआ आ, हुआ है मेरे ख्याल से बट uh, मैंने किया था बिकॉज ऑफ मनी अच्छे पैसे मिल रहे थे एंड hmm. लेकिन मुझे पता है मैंने कैसे किया और मैं अपने आप को बहुत खोजता हूँ hmm. वो टाइम पे मुझे कुछ बाय करना था hmm. इसके मैंने वो कर लिया था बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसा मैं करता हूँ मुझे नहीं नहीं पसंद नॉट कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन मनी नॉटीड पर्सन नो मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेटली बट मनी इज बाय प्रोडक्ट अगर जो बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान ने आ, सरस्वती माता को लक्ष्मी माता को वो आशीर्वाद दिया हुआ है आ, कि लक्ष्मी माता के पीछे आप जाओगे ना तो विष्णु भगवान के पास में वो पावर है कि वो लक्ष्मी उनके पास छीन लेकिन सरस्वती माता को आशीर्वाद दिया कि आपके पास अगर जो कोई जाएगा आप उसके पास को हो गए तो आपको कोई नहीं छीन सकता hmm. तो आप सरस्वती माता को पूजा कीजिए वो लक्ष्मी माँ बाय प्रोडक्ट वो आएगी and yeah. you believe in this also absolutely why not mm. <laughs> yeah. okay ठीक है सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस जैसे आप इतना सा बिलीव करते हैं सो योर डाइवर्जन इन टू एक्टिंग सो ये कब आपका ये दिस इज योर न्यूली डिस्कवर्ड लव या फिर आप हमेशा से एक्टर भी बनना चाहते थे नहीं मैं एक्चुअली मैं बहुत ही फोकस था आ, जब मैं डांस कर रहा था तभी कोरियोग्राफी के लिए क्योंकि मुझे वो नया टर्म समझ में आया था कि और ये जो mm. सेट करते हैं डांस को उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं mm. अरे जो कैमरा एंगल कैमरा रखते हैं उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं एडिट करता है वो भी कोरियोग्राफी करता mm. है और इतना एक्साइटिंग जॉब है सो मैं आई वॉज मोर इन टू एंड काफ़ी सारे डायरेक्टर्स यू नो बहुत सलमान भाई ने भी ने, बहुत बोला था सुनील शेट्टी सर ने बहुत बोला था कि यू शुड एक्ट नो स्टफ लाइक दैट तो मैं लेकर ध्यान नहीं देता था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज आई वाज वेरी फोकस ऑन कोरियोग्राफी लेकिन कोरियोग्राफी बहुत करने के बाद में जब स्क्रिप्ट पढ़ने लग गया मैं एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहा था क्योंकि जब सॉन्ग होता है उसके पहले प्री एंड पोस्ट कभी कभी सीन्स लेते हैं yes. सो so वो टाइम पे मैं देखता था उनको तो बहुत मजा आता था, था मुझे hmm. ऐसा लगता था कि हाँ ये काम भी सीखना चाहिए तभी yes. मुझे थोड़ा समझ में आया जब मैं कोरोग्राफी कर रहा था hmm. उसके बाद में अगर जो मुझे करना है तो फिर मुझे प्रोफेशनली uh, ट्रेनिंग लेना होगा सो so, मैंने किशोर अमित कपूर के पास में किया hmm. फिर उसके बाद में वो टाइम पे विकी कौशल था हमारे hmm. मेरे साथ में ईशा hmm. तलवार थी बहुत लोग थे सो hmm. so, उनके साथ में थिएटर किए hmm. उसके बाद में अतुल सर मिले थे hmm. तो अतुल yeah. सर के साथ में काफ़ी थिएटर किया yeah. फिर पुनीत सर के साथ में थिएटर कर exactly. किया मैंने सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड सो अगेन इट द फ्लो जितना मुझे पता है थिएटर में आपका फोकस मनी पे नहीं होता इट्स मोर ऑन क्रिएटिविटी इट्स मोर ऑन द क्राफ्ट करेक्ट सो एज अ कोरियोग्राफर जब आप एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर रहे थे हाँ। तो उस टाइम पे आपका एक्टिंग में भी जाना हाँ। अ, लोगों ने ये नहीं कहा कि यार क्यों डाइवर्ट हो रहा हाँ, है अगर एक, एक, एक दुकान, दुकान चल रहा है दूसरी दुकान क्यों बंद कर रहा है क्यों हाँ सो so, मैंने दुकान बनने नहीं की डेफिनेटली hmm. बट hmm. uh, अभी भी आ रही है मेरी सनी देवल की एक फिल्म है hmm. uh, सूर्या hmm. उसमें मेरी कोरियोग्राफी है अगेन कोई बोलते ना सनी पाजी के साथ में आपने क्या किया situational kind of course, of, uh, है ना इट्स ए सिचुएशनल काइंड ऑफ सॉन्ग्स उसके बाद में उन्होंने डांस भी किया हुआ है oh, ऐसा नहीं उन्होंने डांस okay. बहुत बढ़िया डांस किया okay. हुआ है फ्री स्टाइलिंग बट डांसिंग किया हुआ है hmm. फिर उसके बाद में एक तापसी पन्नू एंड प्रतीक गांधी की एक फिल्म है Oh, वो या yeah, वो वो कहाँ आई डोंट डोंबर द नेम बट वो अभी आने वाली है सो so, फिल्म yeah. तो चली रही है वो तो वो mm -hmm. दुकान बंद नहीं है उसका mm -hmm. शटर खुला है हमेशा रहेगा बट exactly. एक्टिंग uh, uh, में भी काफ़ी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले uh, वो मैं लूँगा ऐसे मिल भी रही है लेकिन कुछ अच्छा मिलेगा तो ही मैं करूँगा mm -hmm. ज़रूरी mm -hmm. नहीं है कि हाँ मुझे एक्टर बनना है तो कुछ भी कर लूँ मैं अच्छा करूँगा बट uh, जैसे ये गोधरा फिल्म अभी आ रही है या सो उसमें मैंने राम भगवान बना बनाऊँ एक ही दिन का काम था बहुत छोटा काम था रामायण हो रहा है बट वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो hmm. और राम भगवान hmm. क्योंकि पुनीत सर के साथ में मैं वहाँ पे मैं शंकर भगवान तो सूत्रधार बना हूँ जी शंभू हाँ सो वो बना हूँ उसके बाद में ये तो भगवान के साथ में कुछ तो कनेक्शन है मेरा फर्स्ट गाना जो था वो गणपति का गाना था डॉन का या एंड अगर जो मैं एक्टिंग मैंने शुरू कर रहा हूँ वो भी राम भगवान से गए तो इसके लिए मैंने नहीं, 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 मैं करूंगा जो भी धर्म है आप उसको मानो hmm. तो आप, आ, so कोई you, भी धर्म हो सो यू डेस्टिनी होती है या वर्क होता है जो आपको आगे लेके जाता है uh, so सो ये सारा मिक्सचर है जैसे कि चाइनीज में एक सेइंग है कि uh, आपको लक तभी काम करेगा जब भी आप रेडी हो Okay. You know, अगर जो आपको आपको लक कुछ चीजें मिल गई आप रेडी नहीं हो तो फिर yeah. आपका वो फायदा नहीं है लक का hmm. वो आपको पीछे hmm. लेके जाएगा आपको चीज नहीं मिलेगी बट यू टू बी रेडी बट कितने सारे नॉन टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं जो काम भी कर रहे हैं किस्मत किस्मत तो कहीं ना कहीं तो फिर वो कितना कितना, कितना काम कर पाएंगे वो कितना उनका सेल्फ लाइफ कितना है वो भी इंपॉर्टेंट उतना है। तो हो जाता है जो उतना एक, तो हो जाता है आ, आ, आउटसाइडर प्रोबेबली या somebody जिसके पास टैलेंट है बट लक नहीं है हाँ। उतने में वो अपने सर्वाइवल भी कर ले और आगे तक थोड़ी सी लाइफ अच्छे से जी ले

बट समन लाइक मे बी एन अनुष्का शर्मा वो इस इंडस्ट्री से नहीं है बट शी केम ह्यूर एट अ यंग एज शी डिड इट रियली वेल शी वर्क विद सम बेस्ट डिरेक्टर्स एंड एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड नाउ शीज सेटल एट द राइट एज ऑल्सो सो आई थिंक एनी गर्ल वुड वॉन्ट दैट बट आई एम श्योर कि अगर आप सेटल नहीं होते हो उसके पीछे बहुत रीजन्स होते हैं देर इज नो गर्ल हु डजन वॉन्ट टू सेटल डाउन यू आर राइट ऑन दैट पार्ट बट हैविंग से आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ता है टू यू नो एक के लिए प्रेशर ऑफ अर्निंग ऑल द मनी इट्स अबाउट इक्वालिटी इट्स ऐसा नहीं है कि हमें भी नहीं यू जस्ट हर एक लोड को आप शेयर करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ आई थिंक दैट साइकोलॉजी वर्क्स बेटर व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी रादर देन फिजिकल फिजिकली यू वांट टू कंपीट विद द मेन इट्स नॉट पॉसिबल वहाँ इक्वलिटी नहीं है बट हैवी इतना हैवी मैं आई कांट दिस इतना डिप में मैं नहीं सोचता हूँ यार सो so, इसके साथ यू बिलीव nah. इन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी आप इन चीजों में बिलीव करते हो नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं नहीं सो so, आपने कभी

आपका जो सक्सेस है ना वो आपके मैरिज के ऊपर नाइन्टी परसेंट डिपेंड करता है okay. और उसमें परसेंटेज बाकायदा लिखे थे यू नो सो वो मेरे जहन में रह गया था सो आई वाज वेरी श्योर कि अगर जो आप शादी करोगे mm -hmm. वो शादी ऐसे पार्टनर के साथ करो जो आपको समझे आपके करियर को समझे mm -hmm. आपके एम्बिशन को समझे ना yes. सो you know, so वो बहुत इम्पोर्टेंट है exactly. so Yeah. And, uh, ये सब के साथ जब भी कोविड हुआ था स्पेशली वो एक टाइम ऐसा था जब भी uh, बहुत सी चीज़ें रुक गई थी हाँ, काम हाँ, के सेंस हाँ. में या लोगों का बोलते हैं ना एक मेंटली ऑल्सो पीपल व ब्लॉकड सो हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन बिकॉज मैंने आपका सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं हाँ. तो उस टाइम पे यू हैड गॉन मोर इन टू मेडिटेशन यू हैड गॉन मोर इन टू फिटनेस सो हाउ डिड यू मैनेज टू बी सो प्रॉपरली कैप्ट डिंग दैट टाइम सो कोविड के टाइम पे दो महीने तो ना पता ही नहीं चल रहा था दिन कभी हो रही है रात कभी हो रहा हो खा रहा हूँ मोटा हो रहा हूँ एकदम और नेगेटिविटी बहुत आ रही थी ओके okay. और इतने सारे शोज देख रहा हूँ सारे शोज भी खत्म हो रहे कुछ भी ah. देख रहे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है hmm. तो उसके बाद में मैंने पूरे अपने आप को चेंज किया Uh, पहले तो साढ़े तीन चार बजे उठ ही नहीं पा रहा था मैं सो मैं सोता ही नहीं था रात भर सोता नहीं था साढ़े तीन चार बजे मेडिटेशन चालू करता था उसके बाद मैं सोता था उसके बाद में धीरे धीरे वो साइकिल चेंज हो गया देन आई हेस टू अप अर्ली इन द मॉर्निंग उसके बाद में थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तो एक्सरसाइज स्टार्ट की अपने आप को चेंज किया एंड बहुत ही सीरियस करने लग गया मेडिटेशन कभी कभी आई स्टिल रिमेम्बर साढ़े तीन बजे से चालू करता था साढ़े सात कभी बज जाते समझ ही नहीं आता था इतना लंबा-लंबा होता था सो oh, wow. so, मज़ा आता था यू you नो know, okay. अच्छा लगता था एंड पॉजिटिव एनर्जी आती थी सो hmm. so, वहाँ से शुर, शुरुआत की थी उसके बाद में काफ़ी कॉलिंग आई कि मुझे भी ऐसा लगा कि आई शुड डू समिंग डिफरेंट एंड उसके बाद एक्टिंग में ज़्यादा वहाँ से मैं फोकस growing When, जब आपने की, या जब आपने अपने ऊपर uh, सब लोग ग्रो तो करते ही है hmm. क्योंकि इमोशनली भी ग्रो करते हैं, आप, hmm. आ, आप पता नहीं फिजिकली इतना ग्रो नहीं करते इमोशनली yeah. <laughs> yeah, uh, बहुत आप ग्रो करते हो आपका नॉलेज बहुत ग्रो करता है बट hmm. मेडिटेशन से मुझे ऐसा लगता है आप फोकस बहुत रहते हो hmm. जो आप Uh, सोचना चाहते हो उसमें और आप डिटेल में जा सकते हो मुझे ऐसा लगता है इट रियली हेल्प्स और आप फोकस कर सकते हो कूल cool है। करते हैं आपको आप काम डाउन करते हैं ना ओके ओके या एंड यू सीम टू बी अ रिलेटिवली कामर पर्सन मतलब आप कहते हो कि आप ग्रीडी भी नहीं हो यू आर नॉट दैट कॉम्पिटिटिव आल्सो बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस आपका फोकस uh, हमेशा रहा है यू एव गिवन यूर हंड्रेड परसेंट एंड done your डन योर हंड्रेड परसेंट एंड वॉट एवर gotten. Right. So that is an amazing achievement. Thank you. So last thing, uh, जैसे अभी जो कोरियोग्राफर्स बनने आ रहे हैं uh, आपके टाइम पे एज सच फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी कुछ सालों पहले uh -huh. अभी क्या अभी बहुत डांस स्कूल्स hmm. आ गए हैं right. जहाँ पे आपको uh, हिप हॉप भी सिखाया जाता है hmm. आपको डिफरेंट डांस hmm. फॉर्म्स भी सिखाए जाते हैं So, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि दे शुड फोकस मोर ऑन क्राफ्ट और दे शुडो फोकस ऑन बिल्डिंग द इंडस्ट्री सी पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डांस के जितने भी लोग आना चाह रहे हैं ना mm -hmm. वो मोस्टली ना पेरेंट्स लोग बहुत भेजते हैं अपने बच्चों को सो okay. so, वो बहुत अजीब है और बच्चों को नहीं करना होता है लेकिन वो भेजते हैं और बच्चों ले भी, बच्चों भी जब वो रियलिटी शोज देखते हैं या नेबर्स को देखते हैं या स्कूल में देखते हैं तब जाके वो करते हैं मे भी उनका कुछ कॉलिंग कुछ और होगा सो so, वो जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को और ख़ुद को भी अगर जो आप बड़े हो कि आपको करना यही है अगर जो आपको डांस में ही आना है आपको कोरियोग्राफरी बनना है क्योंकि डेफिनेटली सेल्फ लाइक बहुत कम है इफ़ यू सी डांसर की नो सो कम टाइम में 10-15 साल में आप अच्छा नाम भी कमाइए आप अच्छा पैसे भी कमाइए वर्कशॉप करके यू you नो know, जो भी आपको शोज करना है उससे पैसे कमाए उसके बाद आप क्या आगे करोगे वो आपका एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है या सो yeah. so, हमारे वक्त ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि नहीं। नहीं। पता ही नहीं था सिर्फ जा रहे गोइंग विद द फ्लो स्टिल दैट्स वर्ट वी आर डूइंग नाउ बट अभी बहुत अच्छी चीज़ है उनको उनको फोकस करना चाहिए कि आपको दस पंद्रह साल के बाद आप कहाँ पे अपने आप को देख रहे हो Uh, या कोरोोग्राफर बनना हो आपको या डायरेक्टर बनना हो या आपको प्रोड्यूसर बनना हो या एक्टर बनना हो डांसर ही बनना हो like के क्या है right? आप बहुत साल नहीं कर सकते वो आपको वो भी ध्यान देना है हाँ, हाँ. वो तो आपको नॉर्मली भी देना है आपको एक्टर भी हो कोरोग्राफर भी हो जो भी आपको करना ही है बट डांस नहीं कर पाओगे

कहने का मतलब है कि आपको आगे क्या क्या करोगे वो आपको पहले से रोड मैप होना, होना चाहिए तब जाके आप इस लाइन में आओ एंड hmm. yeah. ऐसा कोई एक्टर जिसे आप चाहते हैं कोरियोग्राफ करना या huh. जिसे आप चाहते हैं कि आई वांट हिम टू डांस टू माय कोरियोग्राफी एक्टर एक्ट्रेस एनीबडी कोई ऐसा जो आप अभी भी आपका यू वांट टू कोरियोग्राफ सो वन पर्सन आई वुड लव टू कोरियोग्राफ इज क्रिस ब्राउन Okay. Uh, uh, वहाँ का है यू एस का सिंगर uh, है वाई क्रिस ब्राउन बिकॉज जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनके hmm. साथ में मैंने बात की वहाँ पे यू एस में तो वो hmm. कहते हैं कि वो ही इज़ ऑलवेज हंग्री फॉर द स्टेप्स वो हमेशा पूछता है कि यार ये मुझे वो कैसे वो और चाहिए मुझे और डांसिंग चाहिए hmm. मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना है कभी okay. नहीं सुना कि मुझे और डांस चाहिए और डांस चाहिए सो वो आप ऐसे आ, एक्टर्स या ऐसे डांसर्स hmm. आपके पास से क्या लेके आएंगे ना आपको भी नहीं पता होगा oh, you so know? ऐसे डायरेक्टर है जैसे संजय लीला बंसाली है hmm. वो हमेशा कोरियोग्राफर्स क्या ना चीज़ें वो निकालते हैं उन कोरोोग्राफर्स को भी पता नहीं चलता कि अच्छा हम लोग ये भी कर सकते हैं hmm. वो hmm. उनमें कला है संजय सर में सो वो मुझे लगता है क्रिस ब्राउन में बहुत है

I think that's my riyas. Yes. Uh, बहुत लोग रियास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए कि आप जो म्यूजिक कर दो शीशे के सामने देखो और अपने आप के साथ में डांस करो hmm. अपने आप को देख के hmm. you know, hmm. So hmm. वो कुछ नया कोरियोग्राफी आप निकाल सकते हो कुछ नया स्टेप्स निकाल, hmm. सकते, निकाल सकते, सकते हो सो स्ट्रेचिंग एंड As a person, as a choreographer, as a performer, as an actor, and we are waiting to see your upcoming show also and your upcoming choreographies also. Thank you so, so much. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें अवेलेबल फॉर आईओस एंड एंड्रॉयड डिवाइसेज प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप